वेलकम बैक, हम वापस आ गए और इस वक्त जो गेस्ट्स हमारे पास मौजूद हैं उनसे हम आपका तारुफ़ करवाएंगे। इनका कवाली से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तकरीबन 200 सालों से जो इनका ख़ानदान है वो कवाली के साथ जुड़ा हुआ है। पहले जो हमारे गेस्ट हैं वो भी, और उनके वालिद साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं वो भी, उन्होंने भी 40-50 साल कवाली की जो सिंफ है उसको आगे बढ़ाया, लोगों तक पहुँचाया, और उससे पहले उनके दादा और पर दादा, तो ये तकरीबन कोई 200 साल से सिलसिला चल रहा है। और आज जो है हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे शागिर्द जो कि अब ख़ुद बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत ही बेहतरीन महफिलें करते हैं, आसिफ अली संतू जी। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं। और हम ये बताते चलें कि ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के बहुत ही लाडले और बहुत ही प्यारे शागिर्द थे, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, और ये उनमें उन स्टूडेंट्स में से एक हैं कि जिनकी वो जैसे कहते हैं ना, जब आप गायकी की और सीखने की बात करते हैं तो उसमें एक रस्म होती है गंडाबंदी की, तो वो जो है उस ये उन्होंने बंदी, और बहुत प्यार था इनका आपस में, और बहुत सारी चीज़ें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब से सीखी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, उस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और मैं बताती चलूँ कि आसिफ अली संधू के साथ जो हैं उनके वालिद साहब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, मंजूर हुसैन संधू ख़ान साहब। बहुत बहुत खुश आमदीद जी आपको। आपने ख़ुद माशाल्लाह तकरीबन 40-50 साल कवाली जो है वो गाई और दुनिया भर में नाम रोशन किया। अभी तक गा रहा हूं। अच्छा, अभी तक वो तो ज़ाहिर है ये सिलसिला तो जब तक, मेरा ख्याल है फ़न का जो सिलसिला होता है ये तो चलता रहता है सारी ज़िंदगी, ये जब तक इंसान अपनी आखिरी सांसें नहीं लेता ये इसके साथ सिलसिला रहता है। आपका बहुत गहरा ताल्लुक रहा, बिकॉज आज हम कवाली तो खैर हम जोड़ते हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ, बिकॉज जिस तरह से बहुत सारे लोग कवाली गाते हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो किस कुछ लोगों के साथ जैसे कहते हैं ना जुड़ जाती हैं, और उनकी वजह से दुनिया जहान उस सिंफ को जानना शुरू कर देती है और साथ साथ मानना शुरू कर देती है, और वो हम देखते हैं कि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब मरहूम उनकी वजह से हुआ था। आपने 8 साल उनसे तालीम हासिल की, 8 साल तक आप उनकी कहते हैं ना कि परवरिश ही होती है ना, जब जाहिर कैसा एक्सपीरियंस था वो? तो 8 साल मेरे ज़िंदगी के ऐसे 8 साल हैं जो मैं पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकता हूँ, और अक्सर मैं वो 8 सालों को रिपीट करता रहता हूँ। पार्टी में बैठा हूँ, घर में बैठा हूँ, खान साहब की छोटी छोटी बातें, यादें, उनके साथ जो टाइम गुजरा है, और मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसा आर्टिस्ट या ऐसा इंसान पैदा होगा, बहुत कम पैदा होंगे ऐसे लोग। जब हमने आपसे बात की और हमने आपसे पूछा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के हवाले से, आपने कहा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गायकी यानी गाना कवाली और ये सब कुछ नहीं सिखाया मुझे, बल्कि जब मैं उनसे सीख रहा था या मैं उनके पास बैठता था तो मैंने ज़िंदगी, जैसे कि मुझे लगता था कि वो ज़िंदगी के उस्ताद हैं। ऐसे नो डाउट। तो ज़िंदगी के हवाले से क्या क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या बातें थी जो आपको वो? पहला तो उन्होंने मुझे मुझे घर से भी वही तालीम मिली, और जब खान साहब के पास गया तो मुझे अदब जो है, बड़ों का अदब, और ख़ास तौर पे हमारी फील्ड में एक बहुत ही इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो बड़ों का अदब है, जो अपने सीनियर्स हैं उनका अदब, एहतराम, और आखिरी टाइम तक जब तक हम इसी में ये चीज़ इंक्लूड होती है कि हम अपने आप को कम्प्लीट नहीं समझते, और कभी भी अपने आप को कंप्लीट समझना ही नहीं समझना जी। आप देखें इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद वही, आप जाहिर है अगर वो यही मैसेज आपको दे रहे हैं तो यकीनन उन्होंने भी अपने आप को यही समझा होगा कि अभी बहुत कुछ करना है। दुनिया मानती थी, दुनिया मानती, मगर वही बात है कि असल चीज़ ये होती है कि दुनिया माने मगर आपका दिल खुद ना माने। ये बात है। एक कॉल है हमारे साथ, बिकॉज आज एक नाम ऐसा जुड़ा है हमारे इस शो के साथ के उस हस्ती के लिए बहुत सारे लोग, बिकॉज मोहब्बतें जो हैं वो दिलों में ऐसी हैं उनके लिए, एक शख्स ही ऐसे थे, और तो एक कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी इत्तफाक नाम है आपका? जी जी इत्तफाक है, मैं बोल रहा हूँ। मैं जी इत्तफाक साहब, क्या कहेंगे आज के शो के हवाले से, कुछ दिल की कहिए।
मैं आपके चैनल के तवज्जुल से बड़ा अच्छा आपका शो जा रहा है, वैसे फीडबैक मिलता रहता है। शुक्रिया। तो चैनल भी आपका बड़ा अच्छा जा रहा है, मैं आपके लिए और आप इस प्रोग्राम के लिए आपके चैनल की सक्सेस की दुआ करता हूँ। So kind और आपके चैनल के तवज्जुल से अपना एक दुख शेयर करना चाहता हूँ कि Please मेरी कीजिए। बड़ी लवली और प्रिटी वाइफ पिछले एक साल दो महीने से मुझसे नाराज है। एक साल दो महीने से आपकी प्रिटी और लवली वाइफ नाराज है? आपने कुछ नहीं किया अभी तक? मैंने बड़ी कोशिश की है, मैं उन्हें मना रहा हूँ, इंशाल्लाह वो मान जाएंगी। मुझे नंबर दें आप उनका, मतलब अभी ऑन एयर ना दे दीजिएगा। मैं एक काम करती हूँ, आपका नंबर हमारे पास, उनका नंबर इस वक्त मेरे पास भी नहीं है मोबाइल। आप कैसे भी आए वैसे इत्तेफाक साहब? प्लीज जो भी हुआ दैट वाज टोटली अनफॉर्चुनेट, उसमें कोई कसूर नहीं था, अगर कोई है और आपकी मेहरबानी आप नाराजगी छोड़ दें और मुझे फेसबुक पे कॉन्टेक्ट कर लें, मेरे नंबर आपके पास है और वापस आ जाए। हाउ स्वीट। और आपको पता है कि मैं तो यकीन करें बड़ी दिल से आपकी इज्जत कर रही हूँ, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत करेज की ज़रूरत होती है कि ऑन एयर आके आप अपनी गलती, और अगर देखें बात सुने, ज़िंदगी में गलती हो भी सकती है, हम कोई एंजल्स तो नहीं है, फरिश्ते तो नहीं है, तो अगर आपसे गलती हो भी गई है तब भी अगर आप गलती की माफ़ी मांग रहे हैं तो हम यही सुनते हैं अपने बुजुर्गों से कि लोगों को उस तरह से माफ़ करो जैसा कि आप चाहते हो कि आपका रब आपको माफ़ करे। तो अगर आपसे मेरी मैं कोशिश करती हूँ कि शो के बाद आपको कॉल करूँ अगर आपका नंबर हमारे पास आ गया तो, और आपसे गुफ्तगू करेंगे। और सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैं नाराज़ क्यों है, कि काफ़ी लंबा नाराज़गी हो गई। असल में मसला ये है कि मेरा तो उनका इतना ज्यादा प्यार था, वो एक मिसाल है ना कि पानी में पहले चीनी मिलाए तो वो मीठा होता है, थोड़ी और चीनी मिलाए तो शीरा बन जाता है, फिर उसके बाद वो जहर बन जाता है। हम दोनों क्लास फेलो थे और हम दोनों की इतनी ज्यादा प्यार था कि बस हम लोग कुछ भी नहीं है, हसद और नजरें बंद कर। आई एग्री विद यू, नजर उतारे सदका दें, अल्लाह खैर करे। नहीं है, सिर्फ कुछ लोग इन्वॉल्व थे उनकी फैमिली के और बस वो जिद पे आई। आपने पहली दफा कॉल की है और आपका जो दुख सुना है उसके बाद मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको एक गिफ्ट जरूर दूं, ठीक है? तो मैं जो ब्राइट इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इस ये गिफ्ट हैम्पर जो है हम आपको देंगे और फिर दुआ करेंगे जल्दी जल्दी आपकी बेगम घर आए ताकि इसी ब्राइट से आपके कपड़े धो के आपको पेश करें, ठीक है जी? बेहद शुक्रिया इत्तफाक अहमद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और हम दुआएं करते हैं, और जितने लोग इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं प्लीज़ मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इत्तफाक अहमद नाम है उनका और ज़ोया नाम है उनकी बीवी का, प्लीज़ आप सब लोग ज़रूर दुआ करें और दिल से दुआ करें। यकीन करें जब आप दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं तो रब आपकी दुआएं के ऊपर कबूलियत की मुहर लगाता है और दूसरे बंदे का भी काम हो जाता है। तो हमारी दिल से दुआएं कि अल्लाह करे आज ही रात से पहले पहले आपकी बेगम का फ़ोन आपको आए और आप कल हमें फ़ोन करके ये बात ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। देखें ये हैं दुनिया के गम कि एक बीवी की वजह से कितना परेशान हो जाता है, बिकॉज बहुत ज़रूरी है दुनिया में कामयाबी हासिल करनी। मंजूर साहब आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कितना ज़रूरी होता है कि घर के अंदर हालात ठीक हो, अगर दुनिया की हो, है ना, अच्छा ठीक ना हो, नॉर्मल हो, नॉर्मल होने ठीक है ज़रूरी है ना, नॉर्मल हो जाना ही काफ़ी है। वैसे क्या बीवियाँ जो होती हैं वो खुश बड़ी मुश्किलों से होती हैं? घर का माहौल बहुत खुशगवार हो, सही, ये घर के लोग सब किसी को मानते हों, बिल्कुल सही, एक दूसरे का एहतराम करें, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी बात है जी। अच्छा जी यहाँ पे मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू भी होगी साथ साथ और जो कवालियाँ हैं वो भी सुननी है हमारे साथ जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं उनसे। रुकेंगे ब्रेक के लिए, विल सी आफ्टर दिस ब्रेक।